बिना डिश वाला सेट टॉप बॉक्स। दोस्तों आप परेशान हो चुके हो, डिश का सिग्नल बार बार चला जाता है, तो आज का ये वीडियो आप देखिए। आज आपको एक ऐसा सेट टॉप बॉक्स दिखाने वाला हूँ जिस सेट टॉप बॉक्स में आपको डिश लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, बिना डिश के आपके चलेंगे तमाम सारे चैनल। तो दोस्तों वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा खास, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए। साथ ही साथ दोस्तों ये जो सेट टॉप बॉक्स है इस वीडियो में एक लकी सब्सक्राइबर को मैं देने भी वाला हूँ, तो वो जीतने के लिए आपको केवल और केवल इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल को दबा के वीडियो के नीचे बिना डिश वाला सेट टॉप बॉक्स ऐसी एक कमेंट करनी होगी। तो चलिए दोस्तों बिना देरी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये जो बॉक्स है ये है जीटी मीडिया का सेट टॉप बॉक्स। पहले इसमें देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें आती है, बाद में इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको देता हूँ कि ये बिना डिश के कैसे चलेगा। तो जैसे ही दोस्तों हम इसको ओपन करते हैं, तो ओपन करने से पहले दोस्तों इसका जो मॉडल है जीटी मीडिया V7TT नाम से ये आता है, और ये जो है H265 ऐसा लिखा हुआ है, फुल HD सेट टॉप बॉक्स है, MPG4 फुल HD सेट टॉप बॉक्स है। तो इसको हम ओपन करते हैं, तो इसमें क्या है दोस्तों, यूज़र मैनुअल आ जाता है। देखिए ये है यूज़र मैनुअल, उसके बाद ये है दोस्तों इसमें वारंटी कार्ड आ जाता है। तो ये दो चीज़ें होगी, इसको हम नीचे रख लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको दिखाते हैं इसमें और क्या आता है। तो इसमें आता है एक एडप्टर, ये जो एडप्टर है दोस्तों जीटी मीडिया कंपनी का है, सालों साल ख़राब नहीं होता है। तो एडप्टर के बाद इसमें और देखिए यहाँ पे एक HDMI केबल भी यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद इसके साथ एक रिमोट आता है। अब रिमोट देखिए दोस्तों जीटी मीडिया का सबसे बेस्ट वाला रिमोट है, और इसमें जो है दोस्तों यूट्यूब का बटन ही ऊपर दिया हुआ है। तो ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बेहतरीन रिमोट है, तो इसको हम इसमें रख देते हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों मेन चीज़ जो है दोस्तों हमारा बॉक्स, तो बाकी चीज़ें हम यहाँ पे नीचे रख देते हैं, अभी आपको सेट टॉप बॉक्स खोल के दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों ये है हमारा सेट टॉप बॉक्स, और सेट टॉप बॉक्स देखिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारा सिल्वर कलर में सेट टॉप बॉक्स है दोस्तों। देखिए जीटी मीडिया ऊपर से लिखा है, और ये बहुत ही बढ़िया, दिखने में तो बहुत ही बढ़िया है। अब बात करें दोस्तों ये है इसका डिस्प्ले, और उसके बाद यहाँ पर है दोस्तों जीटी मीडिया V7TT नाम से है, और ये जो सेटअप बॉक्स है दोस्तों बिना डिश के चलता है। अब बिना डिश के कैसे चलता है, क्योंकि इसमें है T2 टेक्नोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, T2 टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें आप बिना डिश लगाए टीवी चैनल देख सकते हो। तो ये देखिए यहाँ पे T2 टेक्नोलॉजी का एंटीना होता है, जो एंटीना हमें घर के बाहर लगाने की ज़रूरत नहीं है, घर के अंदर ही लगाना है। साइड में आपको इसकी इमेज नज़र आ रही होगी, अमेजोन के ऊपर आपको ये एंटीना मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर HDMI का ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि आप इसमें फुल HD में चैनल देख सकते हो। यहाँ पे इथरनेट का ऑप्शन दिया हुआ है। अब इथरनेट से क्या होगा, इसमें आप जो है इथरनेट केबल से इंटरनेट दे पाओगे। वाईफाई इसमें इनबिल्ड है, लेकिन अगर आपको हाई स्पीड इंटरनेट यूज़ करना है तो इथरनेट केबल का इस्तेमाल कीजिए। इससे क्या होगा, आपका जो TV में जो यूट्यूब वगैरह चलता है, इसमें यूट्यूब भी चलता है, तो वो एकदम क्रिस्टल क्लियर क्लियरिटी में चलेगा, फुल HD में चलेगा, 4K तक इसमें प्ले हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे AV लीड का भी ऑप्शन हुआ है, दिया हुआ है, यानी कि अगर आपके पास नॉर्मल TV है तो आप AV केबल के जरिए भी आप TV देख पाओगे। और यहाँ पे साउंड का ऑप्शन है, DC 5 वोल्ट के ऊपर ये चलता है, 12 वोल्ट का एडप्टर नहीं लगता है, केवल 5 वोल्ट का एडप्टर इसमें चलता है। ऑन ऑफ का बटन यहाँ पर दिया हुआ है। तो दोस्तों ये है जीटी मीडिया का सेट टॉप बॉक्स। ये देखिए यहाँ पर ये जो है दोस्तों सिल्वर कलर में आया हुआ है, मेटल बॉडी सेट टॉप बॉक्स है, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही दमदार। जीटी मीडिया का ये एक ही बॉक्स है दोस्तों जो कि बिना डिश के चलता है। अब दोस्तों आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो ये भी जान लीजिए कि T2 टेक्नोलॉजी इंडिया में केवल और केवल कुछ गिनिंदा सिटियों में ही अवेलेबल है, सारी सिटी में ये अवेलेबल नहीं है। और इंडिया में जो है डिश मिलता है, इसलिए T2 टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि कम चैनल आते हैं। बाहर कंट्री के लिए ये बॉक्स बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि बाहर कंट्री में क्या होता है, डिश लगाने की जगह ही नहीं होती है, और वहाँ पर डिश लगाना जो है दोस्तों यानी कि कानूनन अपराध होता है। तो इसीलिए वहाँ पे T2 टेक्नोलॉजी का सिग्नल बहुत ही पावरफुल मिलता है, जिस वजह से ऐसे सेट टॉप बॉक्स बाहर कंट्री में मिलते हैं। अब ये जो सेट टॉप बॉक्स है दोस्तों मेरी तरफ आया है चाइना से। अब चाइना से आया था तो ये जो सेट टॉप बॉक्स है बाहर की टेक्नोलॉजी कैसी है ये बताने के लिए मैंने इस सेट टॉप बॉक्स का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू किया है। वैसे दोस्तों आप वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, क्या इंडिया में भी ऐसी टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, डिश का झंझट खत्म और केवल T2 टेक्नोलॉजी की मदद से सारे चैनल चलने चाहिए। वीडियो के नीचे आप भी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।
ये जो बॉक्स है विनर कौन हुआ है ये हम जो है इसी महीने के एंड में आपको बताएंगे, जिनको मिलेगा ये सेट टॉप बॉक्स बिल्कुल फ्री में। तो चलिए दोस्तों हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, भगवान करे इस वीडियो के साथ आपका दिन शुभ हो, मंगल हो। जय हिंद, जय भारत।